इसमें हम प्रेमचंद संबंधी विचार को जानेंगे। स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियां। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियां। पहले तो हमको स्वाधीनता का मतलब समझना होगा। स्वाधीनता यानी वो कौन सी स्वाधीनता? स्वाधीनता प्राप्ति ही प्रेमचंद के लेखन का एकमात्र उद्देश्य रहा। भले ही उनका लेखन कार्य स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा हुआ हो, परंतु प्रेमचंद के लिए आज भी आलोचना की जाए तो प्रेमचंद के बारे में स्वाधीनता विमर्श, प्रेमचंद लेखन का बीज वहीं पर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रेमचंद पूरी तरह से स्वराज के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा देश के शोषित और पीड़ितों के स्वराज से पता चलता है हमें। तो वहां पर स्वाधीनता के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो देखो उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का पहला महत्वपूर्ण अर्थ है कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। हर हाल में वो भारत को अंग्रेजों से मुक्त देखना चाहते थे। पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। दूसरी बात अगर देखें स्वाधीनता के अर्थ में, तो स्वाधीनता का दूसरा मतलब किसानों की स्वाधीनता से है। जाहिर है कि स्वाधीनता दोहरे अर्थ में ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत में किसान भी स्वाधीन हो, उन्हें किसी जमींदार की गुलामी न करनी पड़े। सामंतवाद में व्यापक जो विभिन्न प्रकार की भारतीय समाज की मुक्ति की कल्पना करते हुए अच्छी तरह जानते थे कि जब एक देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, जब तक वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। स्त्रियों की स्वाधीनता के बारे में अगर चर्चा करें तो प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री स्वाधीनता के बारे में भी चर्चा हुई है। जब तक हमारे समाज की, हमारे देश की नारियां स्वाधीन नहीं होगी, तब तक तो स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज का पूर्ण विकास, स्त्रियों की मुक्ति महत्वपूर्ण है एक स्वाधीन भारत में। वहीं दलित स्वतंत्रता के पक्षधर प्रेमचंद ने दलितों की स्वाधीनता को लेकर महत्वपूर्ण समस्या को, किस तरह से अछूतेपन, सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना, वह उन्होंने अधिकांश अपने लेखन में दलित मुक्ति के बारे में बताया है। और कई बार हमारी दिमागी गुलामी है, दिमागी गुलामी से भी स्वाधीनता उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। मानसिक रूप से अगर आप गुलाम हो गए तो कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकते। इसलिए पहली बात है कि भारतीयों की दिमागी गुलामी से स्वाधीन हो, हमारी मानसिकता अलग होनी चाहिए। और एक उनका विचार है कि मजदूरों का भी जो शोषण हो रहा है उन्हें भी स्वाधीनता चाहिए। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ कैसा था? मजदूरों के लिए, उनके लिए एक ऐसा समाज बने जो पूरी तरह से शोषण मुक्त हो और इस समाज से निर्मित हो एक पूरा राष्ट्र। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूरी तरह से स्वाधीनता पर ही केंद्रित है। प्रेमचंद संबंधी जो राष्ट्रीय विचार है वो पूरी तरह से
स्वाधीनता पर ही आधारित है, जितना विस्तार से उन्होंने स्वाधीनता के बारे में विचार किया है अपनी रचनाओं में। अगर हम देखें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जगह जगह कर कर दिखाया है। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का मतलब था विदेशियों को भगाना और आत्म परिष्कार करना। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टि, स्वराज के लिए होने वाले प्रयास, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो संघर्ष कर रहे थे, शराबबंदी आंदोलन, विभिन्न वर्ग पर, विभिन्न विचारों पर विचार किया है। इस तरह उनकी कई कहानियां हैं। अधिकार चिंता प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा किया है। इसी प्रकार उनकी और एक कहानी है पत्नी के पति। उस कहानी में पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है और उसकी पत्नी कांग्रेस की पक्षधर है। एक दिन पत्नी कांग्रेस के जलसे में शामिल होकर 200 रुपया चंदा देती है। तो इस कहानी में प्रेमचंद पहली बार पति और पत्नी के चरित्र को स्पष्ट करते हैं। पति को हिंदुस्तानी होने में शर्म आती है लेकिन पत्नी को हिंदुस्तानी होने का गर्व है। वह पति का तिरस्कार करते हुए कहती है कि भारत के सिवा और कोई भी देश है जिस पर किसी दूसरी जाति शासन करती हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। क्या एक ऐसे हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं हो सकती? थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे? दरअसल प्रेमचंद पति जैसे दुच्चे और चमचे व्यक्ति का चरित्र सामने लाकर दिखाना चाहते हैं कि इस देश में भी ऐसे कपूत हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि वो इतने पर ही नहीं छोड़ देते। पति महोदय बकायदा अपने अंग्रेज ऑफिसर से गाली सुनते हुए भी चित्रित करते हैं। उनका अधिकारी कहता है कि यू ब्लेडी, सरकार तुमको 500 रुपए इसलिए देता है कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाए। प्रेमचंद दिखाना चाहते थे कि जब अंग्रेज का रवैया अपने चाहने वालों के प्रति ऐसा है तो भारतीयों के प्रति कितना अमानवीय होगा। स्वाधीनता संबंधी विचार देखो, उस पति के प्रति ऐसा विचार है तो फिर जिसके ऊपर शासन कर रहे होंगे हमारे भारतीयों के प्रति कैसा विचार होगा, अमानवीयता। इसी प्रकार प्रेमचंद की और एक कहानी है इस्तीफा। इस्तीफा कहानी में का जो नायक है फतेह चंद एक दफ्तर का बाबू है। उनका अधिकारी एक अंग्रेज है, उनका अफसर, और बात बात पर उन्हें गाली देते रहता है। एक दिन तो इतनी हद कर दिया, साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने की तो और खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेह चंद अभी तक तो चुपचाप खड़े थे पर साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास गया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है। आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि फतेह चंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे और एक मनुष्य के साथ एक अंग्रेज का ये व्यवहार था। प्रेमचंद चाहते थे कि लोगों की इस व्यवहार के प्रति घृणा पैदा हो ताकि स्वाधीनता की लड़ाई तेज हो सके, भारत स्वाधीन हो सके। इसी प्रकार दीक्षा इनकी और एक कहानी है जिसमें अंग्रेज जज भारतीय वकील को खूब गालियां देता है। वैसे इस कहानी में प्रेमचंद शराबखोरी पर भी टिप्पणी करते हैं, अगर वकील शराब न पीता होता तो अपनी पूरी जाति के लिए गाली न सुनता। तो प्रेमचंद ने विभिन्न कहानियों में, अपनी रचनाओं में किस तरह से प्रभावशाली ढंग से अंग्रेज सरकार की भारतीयों को किस तरह से द्वयम दर्जे का भी नागरिक नहीं मानती थी, दूसरे दर्जे का नागरिक भी नहीं मानती थी, उनकी दृष्टि में भारत गुलाम है और गुलामों को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होता। तो प्रेमचंद
अंग्रेजों की मनुष्य विरोधी नीति का वर्णन करकर चुप नहीं हो जाते, बल्कि उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि स्वराज के लिए किए गए प्रयासों का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद की एक कहानी जुलूस है जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के लिए के जो है व्यापकता का चित्रण किया गया है। इस कहानी में एक और इब्राहिम अली है जो देश हित के लिए प्राण तक दे देता है, और दूसरी ओर बीरबल सिंह जो जानते हैं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व नहीं किया जा सकता, फिर भी गुलामी कर रहे हैं। यानी यहां पर प्रेमचंद दिखाते हैं कि किस प्रकार एक ही घर में पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेती है और पुरुष बाधा खड़ा करता है। गौर करने की बात यह है कि प्रेमचंद ने स्त्रियों की स्वाधीनता की ललक का मार्मिक चित्रण किया है। क्यों दिखाना चाहा? पत्नी भाग ले रही है, नारी स्वतंत्रता। जुलूस शीर्षक कहानी में संभ्रांत घरों की स्त्रियां जुलूस में शामिल होकर देश की आजादी के लिए लड़ती हुई सामने आ रही हैं। ये बिल्कुल साफ है कि प्रेमचंद की दृष्टि में ये जुलूस कहानी स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों और दलितों की भागीदारी होनी चाहिए, अन्यथा लड़ाई जीती नहीं जा सकती। यहां यह भी याद करना होगा कि तत्कालीन समाज में ढेरों मिठन ने अपने अपने बिरबल को ठीक किया है, तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को बताना चाहते हैं लेखक कि विरोध के लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। पत्नी किधर जाएगी, पति किधर जाएगा तो नहीं हो सकता। टुकड़े टुकड़े में बंटकर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। प्रेमचंद का विचार अपनी कहानी जेल में, वह जेल बोलकर जो कहानी है उसमें पूरा परिवार देश के लिए दे चुकी मृदुला से कहलवाते हैं। उसकी जो कैरेक्टर मृदुला है, लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं। और इसी कहानी में प्रेमचंद निर्ममता के साथ लगान वसूली का चित्र खींचकर दिखाते हैं कि अंग्रेज सरकार दिन प्रतिदिन किस तरह से अमानवीय होती चली जा रही है। और मृदुला जेल में बंद क्षमा से कहती कि परसों शहर में गोलियां चली थी क्षमा, देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। सरकार को क्या, सरकार को तो अपने टैक्स से मतलब, कर से मतलब, प्रजा चाहे मरे या जिए उसको कोई मतलब नहीं। लूटा जा रहा है, मरता क्या नहीं करता। किसान घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। एक किसान के घर में तो घुसकर कई कांस्टेबलों ने पीटना शुरू कर दिया। बेचारा बैठा मार खाता रहा, उसकी स्त्री से रहा नहीं गया। सामत की मारी कांस्टेबल को कुवचन कहने लगी, बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। ये उस दौर का सच है। प्रेमचंद ने इस सच को चित्रित करते हुए भारतीयों को लाम बंद करने की कोशिश की है, और उसी कहानियों के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाह रही है, उससे कम का कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं है। अगर हम इतिहास को देखें, जब बंग भंग हुआ, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के रहे सहे विश्वास को भी समाप्त कर दिया। सुहाग की साड़ी कहानी में लिखते हैं प्रेमचंद कि विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी, स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार द्वार खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांग रहे थे। और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ा। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे, नैन सुख मन मल मल मन मन और तजनेब तजनेब हो गए थे। इस कहानी में मार्मिकता
उस समय बहुत बढ़ जाती है जब रतन सिंह की पत्नी पति के मार्ग पर चलती हुई अपनी सुहाग की साड़ी स्वदेशी आंदोलनकर्ताओं को दे देती है। इसीलिए कहानी का शीर्षक सुहाग की साड़ी। गौर किया जाना चाहिए, एक भारतीय स्त्री के लिए सुहाग सबसे बड़ा होता है, एक भारतीय नारी के लिए। लेकिन प्रेमचंद उस दौर की मांग को ध्यान में रखते हुए चित्रित कर रहे हैं कि गुलामी के दिनों में आजादी के ऊपर और कुछ नहीं होता था। देश स्वाधीनता के लिए सुहाग की साड़ी तो क्या सुहाग भी अर्पित किया जा सकता था। प्रेमचंद दिखा रहे थे यहां पर क्या कि मंगल उद्देश्य के लिए किए हुए कार्य का परिणाम अमंगल नहीं हो सकता। कहानी के कैरेक्टर गोरा को लगता है कि यह आंसू भरे नेत्रों से सामने खड़ी जो साड़ी दे रही है आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही है। इसी प्रकार पत्नी से पति कहानी में भी प्रेमचंद विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का चित्रण किया। चकमा कहानी में भी प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ विश्वासघात का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी में दिखाया कि किस प्रकार सेठ चंदुमल कांग्रेस वालों का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात करता है। प्रेमचंद का मानना है कि जब अपने देश में कपड़ा बनता है तभी भी विदेशी कपड़ा पहनना अपने देश के साथ अपने लोगों के साथ अन्याय है। इसीलिए तो प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन का एक राष्ट्रीय व्रत को एक रूप में चित्रित किया है कहानियों में। आहुति कहानी की नायिका रूपमणि अपने स्वास्थ्य के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देती है लेकिन स्वराज आंदोलन में सहयोग करती है, घंटों चरखे चलाती है। शांति कहानी की नायिका श्यामा अपने पति से प्रेरणा पाकर आधुनिक हो जाती है लेकिन आधुनिकता का रहस्य जल्दी ही खुल जाता है। तो प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में स्वाधीनता का चित्रण करते हुए बहुत सारी समस्याओं को दिखाया है। शराबबंदी आंदोलन को भी खूब महत्व दिया क्योंकि जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हो उस देश में सिर्फ थोड़े से नशे के लिए धन का दुरुपयोग कहां तक सही है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कई कहानियां लिखी। शराब की दुकान प्रेमचंद की एक लंबी कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद शराबबंदियों के साथ साथ स्त्रियों के उत्सर्ग की भावना को चित्रित करते हैं। समाज के लोग आज भी सोचते हैं कि स्त्रियां नशेड़ियों को ठीक नहीं कर सकती है। ऐसी सोच पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कहानी में नायिका मिसेस सक्सेना से कहलवाया है तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आएगा जब शराबी लोग विनय और सील के पुतले बन जाएंगे। ये दशा तो हमेशा ही हमारी रहेगी। आखिर महात्मा जी ने कुछ सोचकर ही तो औरतों को ये काम सौंपा होगा ना। और अंत में मिसेस सक्सेना शराब की दुकान बंद कराने में सफल होती है। इसके लिए अपना रक्त भी बहाती है कहने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार मिसेस सक्सेना समाज में व्याप्त एक आदर्श स्त्री आदर्श बनकर उपस्थित होती है वैसा ही आदर्श एक नारी का गुण है। की कहानियों में इन सब समस्याओं को दिखाते हुए प्रेमचंद भावुकता में बहकर आंसू बहाव लेखन करने वालों में लेखक नहीं थे। जिस भी विषय को वो उठाते थे जो सा भी उनका टॉपिक होता था खूब जांच पड़ताल करके विचार करते थे। स्वाधीनता का प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने लगातार विसंगतियों पर प्रहार किया है। जो भी विसंगतियां देखी हमने देखा अभी विचार किया चाहे नारी स्वतंत्रता हो या समाज में फैली बुराइयां हो शराबबंदी आंदोलन हो लगामबंदी आंदोलन हो या फिर
अंग्रेजी वस्तुओं का वर्जन हो। प्रेमचंद की अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद को पूरी व्यापक तरीके से चित्रित कर दिखाया है प्रेमचंद ने। सती कहानी ऐसी ही एक कहानी है। सती उसकी नायिका मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ रणभूमि में जाती है। उनके इस साहस का चित्रण प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि जिस नारी को तुमने अबला समझा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करना जैसा होगा उसको तुम अबला कह रहे हो। समर यात्रा कहानी में भी भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापकता के बारे में दिखाया है। आहुति कहानी में इस प्रकार दिखाया गया कि किस तरह से स्वयं सेवक अपने प्राण हथेली में लेकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए जो सब बातें दिखाई हैं, उसका मकसद है पूर्ण स्वराज की मांग। राष्ट्र को, अपने देश को सबसे ऊपर समझो। इसीलिए तो सुहाग की साड़ी में सुहाग की साड़ी भी उसने दे दी। उसके अंदर क्या भावना थी? राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना थी। प्रेमचंद की दृष्टि में उस राष्ट्रवाद में व्यापकता नहीं आ सकती जहां पर हम अपने स्वार्थ को महत्व दें। स्वार्थ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए मन की। प्रेमचंद के सामने ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि जब तक हमारे जीवन का मूल्य उद्दात न होगा तब तक हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे जिसमें शोषण दमन और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। क्योंकि प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि हम धार्मिक समस्याओं में उलझ रहे हैं। जब तक हम धार्मिक समस्याओं में उलझे रहेंगे तब तक राष्ट्र की एकता के विषय में हम नहीं सोच पाएंगे। वे अंग्रेजों की उस नीति को ही समझ रहे हैं जिसके तहत अंग्रेज सरकार हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़ाकर स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा कहानियों की रचना के पीछे जो सांप्रदायिकता की समस्या जो विभिन्न कहानियों में दिखाई है। धार्मिक रूप से बटना ही सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी। हिंसा परमो धर्म उनकी एक कहानी है। उस कहानी में प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन की समस्या का चित्रण करते हुए सांप्रदायिकता के विष वृक्ष को बढ़ता हुआ चित्रित किया है। इस कहानी में हिंदू मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। दोनों वर्ग का कार्य भरपूर तरह से चल रहा है तो किस तरह से धर्म परिवर्तन के द्वारा आपसी भेदभाव हो रहे हैं। इसी तरह धर्म और धार्मिक लोगों से घृणा हो गई थी। प्रेमचंद अगर देखें तो राष्ट्र को एक होकर मजबूत किया जा सकता था। जिहाद शीर्षक बोलकर उनकी एक कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने धर्मांधता का चित्रण किया है। उन्होंने दिखाया कि अज्ञानवश मनुष्य अपने मानव धर्म में किस प्रकार है। मुक्तिधन शीर्षक कहानी में उन्होंने दिखाया कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का आदर करना सीख गए। पंच परमेश्वर कहानी में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का आदर्श दिखाने की चेष्टा की गई है। तो स्वाधीनता आंदोलन कब सार्थक होगा, कब सफल होगा? जब हमारी ये धार्मिक संकीर्णता या हमारी धार्मिक कूपमंडुता बाहर निकले और धर्म संबंधी हमारी गलतियां ही राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थी। ये दुखद सत्य है। प्रेमचंद जाति व्यवस्था को भी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए घातक मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक उद्देश्य जाति व्यवस्थाओं की जड़ को उखाड़ फेंकना है। वो दलितों को उनका पूरा सम्मान देने के पक्षधर थे, दलितों को उनका अधिकार मिले,
उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में उन्नति मूलक कार्य नहीं हो सकते, समाज मूलक स्थापना नहीं हो सकती। जिस राष्ट्र में समानता ना हो, ऊंच नीच की भेदभाव ना हो, वह राष्ट्रवाद व्यापक नहीं हो सकता। उनकी एक कहानी सौभाग्य के कोड़े में प्रेमचंद चित्रित करते हैं कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति ने नम्रता, सील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठ, विद्या, प्रेम ये गुण हो, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। यहां प्रसंग बस गोदान में उनका जो चर्चित उपन्यास गोदान है, माता दीन की दी हुई जाति की परिभाषा याद आती है। वहां भी प्रेमचंद ने मनुष्य के चरित्र को उसके मूल्यांकन का आधार स्वीकार किया है। तो कोई भी इंसान चरित्र से इंसान, जाति से हम नहीं कर सकते। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो क्या वो बहुत जो है मर्मज्ञ बन गया? स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हम धार्मिक विद्वेष को पैदा न करें, क्योंकि जब भी आदमी धर्म जब आदमी को बिगाड़ता है तो शैतान बना देता है। वे समाज को बार बार सचेत कर रहे हैं कि अंधविश्वास, कुरीतियां राष्ट्र को प्रगतिशीलता में बाधक है। यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये व्यक्ति और देश दोनों की अहित करते हैं। मुक्ति मार्ग में उन्होंने यही दिखाया कि बुद्धू गो हत्या के प्रायश्चित में अपना सर्वनाश कर देता है। तो प्रेमचंद का मानना है कि जिनके हाथ में नेतृत्व है अगर उनका आचरण दोहरा होगा तो इससे स्वाधीनता संग्राम में ठेस पहुंचेगी। हमें संघर्ष करना है। तो उन्होंने अपनी कहानियां, जितने भी कई कहानियां प्रमुख कहानियों के नाम मैंने बताए, उनकी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता और हमारी कई संकीर्णता को गंभीरता से चित्रित किया है। तो स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद का क्या संबंध है? क्योंकि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के साधक थे, उन्होंने लगभग सारा लेखन किसी न किसी रूप में मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है और उनकी आशा थी कि भारत स्वाधीन हो। प्रेमचंद अपने लेखने के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के एक प्रतिबद्ध सिपाही के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण के साथ साथ ही राष्ट्रवाद का भी चित्रण है। उनका कहना चाहिए कि प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन कहानियों में प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को कटघरों में खड़ा किया है उनमें भी स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र है। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने जो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कहानियां लिखी उन कहानी में मुख्य स्वर था राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि। और हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता कितनी मायने रखती है। सिर्फ उपनिवेशवाद से मुक्ति स्वाधीनता नहीं हो सकती, बल्कि भारतीय समाज में जो व्याप्त मुक्ति का स्वप्न देखते थे वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो हर प्रकार की गुलामी से मुक्त हो। सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना नहीं, वे वर्ण व्यवस्था और धार्मिक विद्वेष के कटु आलोचक थे। उन्होंने बराबर पूर्ण स्वराज का ही पक्ष लिया। हिंदी साहित्य में जब भी स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जिक्र किया जाता है तो प्रेमचंद का नाम सबसे पहले आता है। और उनके बेटे अमृत राय ने उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के एक सिपाही के रूप में याद करते हुए ठीक ही उन्होंने क्या किया, उनकी जीवनी का नाम लिखा कलम का सिपाही। ये तो प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। वहीं हम देखते हैं
जो लेखक ने कहा प्रेमचंद के बेटे ने कलम का सिपाही, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि जब जब हम देखते हैं प्रेमचंद की रचनाओं में स्वाधीनता आंदोलन का स्वर इतना तीव्र है, उन्होंने स्वाधीनता के बारे में या राष्ट्र संबंधी जो उनके विचार थे, एक सिपाही की तरह जब उसमें स्वर देखने को मिलता है, किस तरह से उनकी उन्होंने हमारे स्वाधीन राष्ट्र के संबंधी विचार रखे कहानियों के माध्यम से। तो कहानी में हम देखते हैं कि जब स्त्रियों के बारे में, नारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियों की समस्याएं हो, चाहे दलितों की समस्याएं हो, किसानों की समस्याएं हो, सांप्रदायिक समस्याएं हो, प्रेमचंद ने उन सब का विचार किया है बहुत गहन दृष्टि से। तो प्रेमचंद ने जो बताया, सबसे पहले स्त्री जीवन और प्रेमचंद को हम समझते हैं। जब प्रेमचंद ने पहली पहला लिखन शुरू किया 1900 से 1936 तक उन्होंने बहुत सारी कहानियां रचना की, और वो जो समय था प्रेमचंद के लेखन का, जो समय भारतीय समाज की नारी और दलितों के लिए गुलामी का समय था, दोहरी गुलामी, समझ रहे हो ना, एक तो अंग्रेजों की गुलामी और एक उनकी सत्तात्मक गुलामी। हमारे महाप्राण कवि निराला ने ठीक ही लिखा है कि हमारे समाज में स्त्रियां दासों की दासियां हैं। यह वह समय था जिसमें स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में पिस रही थी। एक राजनीतिक और सामाजिक दासता का कारुणिक इतिहास है। दुनिया भर के इतिहास में यह खोजना मुश्किल नहीं है कि जो समाज गुलाम रहा हो उसमें नारियां ही सर्वाधिक झेलती है। सामंती समाज की प्रतिद्वंदिता पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए स्त्री को अपहरण करके वही उनका प्रिय अस्त्र। तो आज भी देश में सामंती मानसिकता का अंत नहीं हुआ है। कश्मीर में भी हिंदू स्त्रियों के साथ और गुजरात में भी मुस्लिम स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ। इसके लिए प्रेमचंद किसको दोष देते हैं? नारी शिक्षा। स्त्री को शिक्षा के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। दहेज के प्रसंग में लिखते हुए एक लेख में उन्होंने लिखा कि हमें तो इसका एक ही इलाज नजर आता है, और वह है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता अपने आप बनाने के लिए छोड़ दो। नारी स्वतंत्रता, उसी तेरे जैसे हमने लड़कों को छोड़ दिया, उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। एक लड़की की शादीशुदा रूप हम देखें, जैसे युवकों के विषय में उनके पराभ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी विश्वास करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं प्रेमचंद ऐसा? यहां पर बिल्कुल साफ है, एक तो दहेज जैसी अमानवीय प्रथा से उत्पन्न क्षोभ और उसको सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प है, और दूसरा कि सदियों से पुरुष को सिर्फ घर के भीतर रहने वाली चीज के रूप में देखते हैं, उनकी शारीरिक कमजोरी का बहाना करते हैं। पुरुष को सदा यह लगता है कि नारी अबला है, उसके अंग कोमल है, बाहर का संसार उसके लिए ठीक नहीं होता, हमेशा यही लगता है। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय में स्त्री के तन मन की कोमलता को पुरुष ने एकाधिकार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, उसको बराबर डर लगता है पुरुष को कि उसके साम्राज्य में स्त्रियां जीत न ले, इसके लिए स्त्रियों का बाहर की दुनिया में प्रवेश निषिद्ध कर देना उसे जान पड़ता है।
जब चाहा जहां चाहा उस खूंटे से बांध दिया, लड़की को बांध दिया। लड़की को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है समाज में, अच्छी तरह जानते थे प्रेमचंद कि स्त्री और पुरुष का जो भेद प्राकृतिक से अधिक सांस्कृतिक है। दुनिया में पुरुष को कहने और करने का दोनों अधिकार है, पर स्त्रियों को बंदी की तरह रहने का। इसीलिए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाए। प्रेमचंद ने एक लेख जहां पर कुमारी शिक्षा का आदर्श में लिखा है कि मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई है। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्रियां क्यों सीखें, क्यों सीखेंगी? जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसलिए औरतों को अपनी लौंडी समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती है। नारियों के मन में भी विचार है हम भी सीखें, हम भी पढ़े। तुमने पढ़ लिख कर सिर्फ कमाना जाना, हम पढ़ लिख कर कमा नहीं सकती, तुम रोटी नहीं बनाना जानते, वो खाना क्यों पकाएंगी, वकालत क्यों ना करें, अध्यापिकाओं क्यों ना बने? इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी कन्याएं कैसे शिक्षा पाए। एक मां को ही समझना चाहिए एक बेटी के लिए। स्वार्थी पुरुषों का फैसला वो क्यों मंजूर करने लगी? यह प्रेमचंद की विस्तृत जीवन दृष्टि का एक उदाहरण है। प्रेमचंद की धारणा है कि लड़की को जिंदगी में सारे अधिकार मिलने चाहिए। उनकी दृष्टि में लड़की की राय जाने बिना दहेज न दे पाने की मजबूरी में किया गया बेमेल विवाह निर्मला, उनका जो उपन्यास है दहेज और बेमेल विवाह की त्रासदी को दर्शाता उपन्यास, अथवा रूपा की स्थिति में पता चलता है कि दहेज रूपी कुव्यवस्था पूंजीवाद की ही देन है। सब कुछ तो दे दिया, अब दहेज देना भी जरूरी है। यद्यपि सामंती दौर पर भी इसका प्रचलन था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नहीं मिटा है दहेज जैसी प्रथा का हल हमें निकालना होगा। तो स्त्री को क्या अधिकार मिलने चाहिए जिससे जो है वह स्वतंत्र हो सके? पुरुष और स्त्रियों की जो अधिकार है उनमें दोनों में डिफरेंस है कहीं, क्योंकि पुरुष का स्त्री के बिना काम नहीं चल सकता। उस पर जोर जमाना भी वो नहीं भूलता है, हमेशा जो है उसको अपने नीचे रखना चाहता है। प्रेमचंद ने स्त्री के अधिकार के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने अपने विचार रखते हुए उन्होंने एक लेख में स्त्रियों के असंतोष को उन्हीं की इच्छा अनुसार समन करने की बात करते हुए मुद्दे सुलझाते हुए कहते हैं कि एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए होना चाहिए। कोई भी पुरुष दूसरा विवाह न करे। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होना चाहिए, वह उसे रहन वाय जो चाहे कुछ कर सके। पिता की संपत्ति पर जिस तरह पुत्र का अधिकार हो, पुत्री का भी अधिकार होना चाहिए। तलाक का कानून जो जारी किया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान होना चाहिए। और तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए, यदि पैतृक जायदाद हो तो उसका भी एक अंश से मिलेगा। तो समाज में कितनी महत्वपूर्ण क्रांतिकारियां थी 1931 के समय जब ये जब लिखा लेख उन्होंने, तो प्रेमचंद की बातों को पढ़कर पुरुष वर्ग कितना खलबलाया होगा सोचो, इसकी कल्पना कठिन है। स्त्री आंदोलन, प्रेमचंद ने स्त्रियों के आंदोलन
और लेखन का प्रभाव अवश्य पड़ा है प्रेमचंद की रचनाओं में। उसी प्रकार नारी संबंधी और जो विचार है, विधवा की स्थिति, विधवा विवाह का प्रश्न भी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में लिखा है। प्रेमचंद युग में विधवाओं की बड़ी दयनीय अवस्था थी, एक तो स्त्री ऊपर से विधवा, बेचारी स्त्री, ऐसी स्त्री पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता होगा। जो अपने को सभ्य कहते थे वो लोग ताने मारते थे। बहुत कुछ बदलने के बाद भी जो विधवाएं युवावस्था में विधवा हो गई उसके प्रति समाज सहानुभूति नहीं रखता था, न ही उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण था। क्या करें, एक तो बाल विवाह, ऊपर से बेदब्बे का ताना, उनका जो वरदान उपन्यास है उसमें वह समस्या पूरी तरह से हम देख सकते हैं। प्रेमचंद ने विधवाओं के विषय में इस समाज की एक सच्चाई को पकड़ते हैं। वे पाते हैं कि जिन्हें समाज अछूत या निम्न श्रेणी का मानता है उनके वहां विधवाओं की स्थिति सवर्ण और सभ्य कहलाने का ललायत लोगों के वहां से अच्छी है। उसी प्रकार तलाक के बारे में क्या कहते हैं प्रेमचंद? कहा जाता है कि हमारे देश में तलाक की अवधारणा थी ही नहीं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जब हमारे देश में विवाह के बाद पत्नी की छोड़ने को परंपरा बहुत दिनों से थी, जब भी चाहा कोई भी मिथ्या कारण बताकर पत्नी को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, वो तलाक नहीं है क्या? मिथको लोक कथा लोक गीतों में पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाने वाली जो है शादी, हमारे समाज की मानसिकता के बारे में पता चल रहा है। आज भी गांव में लोग बिना अदालत किए हुए पत्नियों को उल्टा भ्रष्टा बांझ कुरूप कहकर छोड़ देते हैं। पुरुषों में ये बुराइयां नजर नहीं आती क्या? छोड़ी हुई स्त्रियां इधर उधर भटकती हैं। ऐसे में शिक्षा का प्रसार कैसे हो सकता है? तलाक जैसा नियम आना एकदम नई घटना थी, जरूरी घटना है। इस नियम में एक ओर तो जहां पुरुष की लंपटता पर लगाम लगाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उन स्त्रियों को बल मिल गया जो परित्यक्ता हो रही थी। प्रेमचंद युग में तलाक बिल जो आया वो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका समर्थन और उसका विरोध उनकी आंखों के सामने हुआ। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए तलाक बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अपने कथा साहित्य में इस बात पर भी ज्यादा जोर देते हैं कि विवाह का रिश्ता जीवन पर्यंत बना रहे, इससे अधिक सुखद और कुछ नहीं हो सकता। स्त्रियों से जुड़ी और भी कई समस्याएं हैं। प्रेमचंद स्त्रियों को खरीदे और बेचे जाने से भी व्यथित रहते थे। उन्होंने वेश्या समस्या पर गंभीरता से विचार किया है। वेश्या नामक कहानी में प्रेमचंद ने इस पेशे के लिए पुरुषों को जिम्मेदार माना है। इसकी शुरुआत पुरुषों ने ही की है, तो स्त्री मुक्ति की आदर्श स्थिति को बदलते हुए आजाद समाज में कैसी होगी, जिसमें स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं होगी, जिसमें लिंग जाति धर्म अर्थ आधार पर कोई शोषण नहीं होगा, वैसा समाज की कल्पना करते हैं हमारे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के नारी संबंधी विचार हमने जाने, किस तरह से प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय स्त्रियां दोहरी और तीहरी गुलामी का शिकार है। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि स्त्रियों को औपनिवेशिक सत्ता के बाहर साथ साथ पितृ सत्ता से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी स्थिति में उनकी वास्तविक मुक्ति होगी। प्रेमचंद हिंदी के पहले ऐसे चिंतक है जिन्होंने पति की संपत्ति के अधिकार की वकालत की थी। वे स्त्री शिक्षा के बहुत
बड़े पक्षधर हैं। उनका मानना था कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियां वास्तविक सामाजिक बदलाव की उपस्थिति करेंगी। वे स्त्री और पुरुष के बीच किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा, दहेज, स्त्रियों की खरीद फरोख्त, तलाक की समस्या, बेमेल विवाह जैसी समस्याओं पर गंभीर विचार किया। इसीलिए तो प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। प्रेमचंद ने फिर दलितों को किस रूप में देखा वह देखते हैं। नारी को तो किस रूप से देखते हैं समझे हम। दलितों की विडंबना, वर्ण व्यवस्था, प्रेमचंद हिंदू समाज की इस विडंबना से बहुत आहत थे कि समाज जिसे अपना भाई कहता है उसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मनुष्यता सिहर उठेगी। उनके लिए चिंता का विषय था कि यह कैसा समाज है जो मनुष्य को उसके गुण और अवगुण नहीं बल्कि उसकी जाति से देखता है। उन्हें इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि पहनशील प्रवृत्ति सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज के लिए भी अत्यंत घातक है। और प्रेमचंद जिन दिनों की यहां पर बात कर रहे हैं वहां पर गांधी जी ने भी कहा था कि अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि प्रेमचंद भी अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे समाज में, तथाकथित सवर्ण समाज में, ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दलितों के रहन सहन, उनकी असख्या आदि को बीच में लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों की मंशा यह होती है कि अगर दलित आगे बढ़ जाएंगे तो बेगार कौन करेगा, लोग उनकी जी हजूरी कौन करेगा, किसका शोषण करके वे अपने बड़प्पन की भूख शांत करेंगे। प्रेमचंद ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने लिखा, कहा जाता है कि अछूतों की आदतें गंदी है, वे रोज नहाते नहीं है, निषिद्ध कर्म करते रहते हैं आदि आदि। क्या जितने सछूत हैं वे रोज नहाते हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन करे तो? क्या कश्मीर के अल्मोड़ा में जो ब्राह्मण रहता है वो रोज नहाता है? इसमें इसी काशी के ब्राह्मण को देखा जाए जो जाड़ों के महीने में एक बार स्नान करते हैं तो पवित्र है। इसी अन्याय का प्रायश्चित है कि संसार के अन्य देश में हिंदू मात्र को अछूत समझा जाता है। फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते क्या शराब? इसी काशी में हजारों मदसेवी ब्राह्मण और भी तिलकधारी निकल आएंगे फिर भी वे ब्राह्मण बने रहते हैं। अगर रोज नहाता हो तो वो आचरणवान बन जाएगा। कैसी रीति है उनकी? मंदिर शीर्षक कहानी की नायिका जो है सुखिया दलित है, वह अपने रोगी पुत्र को ठीक करने के लिए मंदिर जाना चाहती है लेकिन पुजारी के द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण वो नहीं जा सकती। कितनी पैथेटिक कहानी है। जैसे रात रात बढ़ते जाती है, बेटे की हालत खराब होती जाती है, घबरा कर बेटे को गोद में लिए मंदिर की ओर भागती है, देखती है मंदिर में ताला है, ताला तोड़ कर अंदर जाती है। तोड़ने की आवाज सुनकर पुजारी जाग जाता है। शोर मचाने से गांव में बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सुखिया को मारने लगते हैं। एक व्यक्ति इतनी जोर से धक्का मारता है कि बेटे समेत गिर पड़ती है जिसके कारण बेटे की मृत्यु हो जाती है। यह था हमारा प्रेमचंद युगीन भारतीय समाज। एक दलित स्त्री की आस्था है कि वह मंदिर में पूजा कर लेगी तो ईश्वर की कृपा से उसका बेटा निरोग हो जाएगा, लेकिन सवर्ण वर्ग उसे जाने नहीं देता, मारता है, पीटता है, जिस कारण उसका प्रिय पुत्र दुनिया से विदा हो जाता। ऐसी कई कहानियां हैं जो दुखियों के दुख को से दुखी नहीं होता
जो अन्याय देखकर उत्तेजित नहीं होता, जो समाज ऊंच नीच पवित्र अपवित्र में भेद बढ़ाता हो, वो पंडित होकर भी मूर्ख है। प्रेमचंद समानता का समर्थन करते हैं। दलितों के चिंतन पर विचार करते हुए बीआर अंबेडकर की स्मृति बहुत जरूरी है, क्योंकि अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार संबंधी आंदोलन पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए कहा कि अछूतों को मंदिर प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं जितनी इस बात की कि साधारण हिंदू उनसे सज्जनता का व्यवहार करें। मंदिर में चले जाना कुछ नहीं होता है, व्यवहार, साधारण मनुष्य उनसे व्यवहार भी अच्छा नहीं करता था दलितों से, क्योंकि प्रेमचंद को दलितों की स्थिति का अच्छा ज्ञान था। उनकी दृष्टि में भी इनके लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता है, उन्होंने ऐसा माना दलितों को समाज में सारी सुख सुविधा दी जाए, जिनके कारण उनके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो जाति उन्मूलन का उद्घोष और प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद समाज में समता लाने का हर संभव प्रयास करते हैं और सवर्ण समाज के जो खलनायकों की पूरी जमात उन्हें अपमानित लांछित करने का प्रयास करती रही, परंतु प्रेमचंद ने अपने मकसद से इधर उधर नहीं हुए। प्रेमचंद की कहानियों में प्रेमचंद ने दलितों से संबंधित लेखन पर विचार करते हुए उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन कहानियों में भारतीय समाज खास करके हिंदू समाज का अपराधी चेहरा साफ साफ दिखाया गया है। जुर्माना शीर्षक कहानी की जो नायिका है अलारखी, दिन भर सड़क की गंदगी साफ करती है, इसके बावजूद उसका शोषण होता है। इसका अधिकारी दया दिखाकर उसका शोषण करता है कि कितनी बड़ी विडंबना है। इस समाज में सबल लोग निर्बल को कभी डरा धमका कर, तो कभी लालच देकर, तो कभी दया दिखाकर दबाते हैं। उन्हें बस अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। इसी प्रकार इनकी दूध का दाम कहानी, अनेक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमचंद को हिंदू समाज व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार का जो है भ्रम न था। वे तीक्ष्ण विवेक और पैनी दृष्टि से समाज में पूरे कुकर्म और पाखंडों का खुलासा करके उसके कुरूप चेहरे के प्रति सार्थक घृणा पैदा करते हैं। तो दलित जीवन संबंधी जो दृष्टिकोण है लेखक का, प्रेमचंद का, प्रेमचंद भारतीय समाज व्यवस्था में व्याप्त असमानता और शोषण के चक्र में जो मुखरित हो रहे थे, जो पिस रहे थे, उन्हें खुलकर व्यवस्था के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है प्रेमचंद ने। भारतीय समाज का वास्तविक तभी संभव होगा जब वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। प्रेमचंद का पूरा लेखन स्वाधीनता लेखन है, तो प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का अर्थ सिर्फ उपनिवेशवाद से स्वाधीनता नहीं थी, उनके लिए स्वाधीनता का एक व्यापक अर्थ वाला पद भी था। स्वाधीनता का मतलब है दलितों की वर्ण व्यवस्था से स्वाधीनता, स्त्रियों की पितृसत्ता से स्वाधीनता, किसानों की जमींदारी व्यवस्था से स्वाधीनता, मजदूरों की पूंजीवादी से स्वाधीनता। तो इन स्वाधीनता के बारे में ही हम देखते हैं कि किसान समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या और प्रेमचंद के क्या विचार थे। प्रेमचंद ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जहां पर सबको समान अधिकार मिले। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान रचनाकार माना जाता है। किसान जीवन के सार्थक चितेरे हैं हमारे प्रेमचंद, और उनका किसान संबंधी जो उपन्यास गोदान, जिसके लिए वो फेमस हुए, जो हिंदी साहित्य का कालजयी उपन्यास बन गया, कृषक जीवन की त्रासदी को उकेरता उपन्यास, उसी प्रकार किसान जीवन की समस्या के प्रति गहराई और गंभीरता से उनका जो रचना कर्म है उसके पीछे राष्ट्रीय हित की चिंता ही एक कारण है। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि समाज में जो दलित हैं, जो स्त्रियां हैं, जो किसान मजदूर हैं, उनको सुखी रखने के साथ लेकर चलने से ही राष्ट्रीय समस्या का हल हो सकेगा,
कहने की आवश्यकता नहीं, प्रेमचंद जिस समय में थे उस समय किसानों की दयनीय स्थिति थी, उनके ऊपर एक और अंग्रेजी शासन का दबाव था तो दूसरी ओर जमींदारों का जुल्म था। इन दोनों के बीच पिस रहा था कौन? किसान। मेहनत की कमाई भी खो देता था, कहना चाहिए कि उनसे उनकी मेहनत की कमाई छीन ली जाती थी। आजादी के पहले भारत में जमींदारों का बहुत जोर था, अधिकांश जमींदार अंग्रेजों के खिदमतगार थे और उनकी कृपा दृष्टि पाकर ही रैयत पर तरह तरह के अत्याचार करते थे और जमींदार ही अंग्रेजों का शासन मजबूत करते थे। किसानों पर लूट होती थी, उनकी स्थिति का कोई ख्याल नहीं रखता था, तो कैसे राष्ट्रीय उन्नति हो सकती है? जमींदारी व्यवस्था सुधरेगी नहीं तो किसानों का विकास कैसे हो सकता है? किसान जीवन को लेकर लिखी गई उनकी कहानियां बलिदान और विध्वंस, नजराना और बेगार प्रथा पर आधारित बहुत ही प्रभावशाली कहानियां हैं। और प्रेमचंद को किसानों से गहरा लगाव था, उसी प्रकार जैसे किसान को अपने खेतों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति होता है। और प्रेमचंद ने सबसे पहले प्रश्न यही उठाया कि किसान और सरकार के बीच तीसरा वर्ग क्यों आ रहा है? जमींदार, जमींदारी प्रथा। उन्होंने जमींदारों को सुरक्षा देने के प्रश्न पर भी सरकार की आलोचना की है। भारतीय किसान अर्थव्यवस्था का आधार है और उन दिनों इनकी हालत बहुत दयनीय थी, और ऐसे में प्रेमचंद ही एक अकेले ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने किसान जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके लिखा। इसके अलावा और एक समस्या थी, सांप्रदायिकता की समस्या। प्रेमचंद, हिंदू मुस्लिम समस्या लंबे समय से भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक समस्या है। उन्होंने अपने समय में उन पर गंभीरता से विचार किया है। प्रेमचंद उस दौर की समस्या को विचार करते हुए, जब हमारा देश परतंत्र था और इस समस्या के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आशय क्या था, उस समय की परिस्थिति, ये समस्या आज भी लगी हुई है हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की, बल्कि आज तो इसका सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि हम एक साथ लड़कर हासिल की हुई आजादी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम अपने अपने धर्म के वर्चस्व की चिंता कर रहे हैं। क्योंकि प्रेमचंद ने भारतीय समाज का गहरा व्यवहारिक अध्ययन किया था, हिंदू मुसलमान की जो समस्या का एक अंग भाषा विवाद भी था, एक तो हिंदी उर्दू विवाद। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्र की समस्याएं किसी एक कौम या जाति की समस्याएं नहीं है, किसी युग में राष्ट्र की समस्या उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या होती है, चाहे वो दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे विभिन्न धर्म के लोग हो। तो भारतीय समाज को हमने आज देखा, किसानों को देखा, स्त्री को देखा, दलितों को देखा, विभिन्न धर्म के बारे में देखा, तो प्रेमचंद भारतीय समाज के गहरे जानकार थे। वे समस्याओं को सही ढंग से समझने और अभिव्यक्त करने के विरुद्ध थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय समाज को क्षति पहुंचाने वाली जो समस्याएं थी उनकी गहरी पड़ताल की, और उन्होंने अपने कथा साहित्य में आलोचनात्मक विवेक के साथ चित्रित किया। प्रेमचंद के लेखन से स्पष्ट है कि उनकी हर संभव कोशिश यही है कि मनुष्यता की रक्षा और निर्वाह। और हम जानते भी कि भारतीय समाज के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं, कई समस्याएं हैं ऐसी जिसका हमने आज विचार किया। ऐसे में प्रेमचंद का साहित्य ही एक मार्गदर्शक है जो हमारी गलतियों का बोध कराएगा और
उनसे हमें उबरने का विवेक भी देता है। तो आज की क्लास इतना ही। जो भी स्टूडेंट सभी क्लास में हैं, मैसेज बॉक्स में अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर दे दें।